इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 180 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई हमें 180 दिया है, और उनका एच सी एफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स और वाई का 3 दिया है, और हमें एल सी एम ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है। एल सी एम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्स एंड वाई। इसके लिए बच्चा हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो फॉर्मूला है बच्चा एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इस क्वेश्चन में हमें एच सी एफ ऑफ एक्स वाई 3 दिया है, तो हम एच सी एफ की जगह 3 लिख देंगे। एल सी एम हमें फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एल सी एम ऑफ एक्स वाई, जो हमें फाइंड करना है उसको एज इट इज लिख दो, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एक्स वाई, एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू वाई, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें 180 दिया। अब क्योंकि हमें एल सी एम निकालना है बच्चा, तो एल सी एम ऑफ एक्स एंड वाई विल बी 180 डिवाइडेड बाई 3। इधर देखो 3 मल्टीप्लाई में है एल एच एस में, आर एच एस में आके ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 60। सो एल सी एम ऑफ एक्स वाई इज 60।